हेलो एवरीवन, मैं अलफिया नगरीवाला तथागत आईएएस एकेडमी से. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 3 मार्क्स क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर 1 का जो यूनिट 3 है, पार्ट 2 यूनिट 3 ज्योग्राफी, जिसमें एमपी का ज्योग्राफी बेसिकली आपसे पूछा जाएगा. तो आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं. क्या है क्वेश्चन? नेम द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास करता है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है. ठीक है, तो एक बेसिक सा नॉलेज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलते हैं. ठीक है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. याद रखिएगा, साउथ में जब हम जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, है ना. और 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को मिडिल से पास होते हुए, इंडिया के मिडिल से पास होते हुए उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है. तो कौन से स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको क्वेश्चन पूछा है. चलिए हम देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम देखें तो 8 इंडियन स्टेट से होकर पास होता है. आप यहाँ पर मैप देख सकते हो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, यहाँ गुजरात से स्टार्ट करते हुए गुजरात, फिर थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान का हिस्सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, क्योंकि यहाँ पे बीच में आ जाएगा बांग्लादेश, वो हम छोड़ दें. नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम देखें त्रिपुरा, मिजोरम. तो 8 इंडियन स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है. तो याद रखिएगा, 8 इंडियन स्टेट्स है यहाँ पर जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहे हैं. हो सकता है ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बन जाए. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम 2 रिवर्स ऑफ एमपी, है ना. दो नदियाँ पूछी है एमपी की, कौन सी दो नदियाँ. 2 रिवर्स डेट फ्लोस थ्रू रिफ्ट वैली, है ना, जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है और एस्चुरी बनाती है. रिफ्ट वैली से फ्लो करके एस्चुरी बनाने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं एमपी की. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है. आपको पता ही होगा, नर्मदा और तापी. नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली से, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में से जो है रिफ्ट बनी हुई है, वहाँ से पास करके ये जाती है. ठीक है, नर्मदा और तापी याद रखिएगा, एक तरफ इनके विंध्याज है, एक तरफ सतपुरा होती है. यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये नर्मदा रही, है ना. यहाँ पे आप नर्मदा की वैली देख सकते हैं, ये तापी वैली आप यहाँ पे देख सकते हैं. हो सकता है इसकी जगह, ये पूछने की जगह कि रिफ्ट वैली कौन सी नदियाँ बनाती है, उसकी जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, ना, ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा आपसे पूछ सकते हैं. तो आपको याद होना चाहिए नर्मदा कहाँ से निकलती है, अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है. हो सकता है आपसे पूछ ले तापी कहाँ से निकलती है. तो ये भी याद रखिएगा, सारी नदियों का ओरिजिन पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है, सेकेंड चीज़, कौन सी नदी कहाँ पर गिर रही है, या फिर कौन सी नदी आगे चलकर किस नदी के साथ जाके मिल रही है. जैसे चंबल कहाँ जाके मिल रही है, कहाँ से निकल रही है, याद रखना है. अब नर्मदा और तापी यहाँ से निकल रही है, एमपी से पास होके जा रही है, लेकिन कहाँ जाके एस्चुरी बना रही है, ये आपको याद रखना है. तो ध्यान से आप एक बार मैप देख लीजिएगा अभी खोल के, कि कौन से सी में जाकर जो एस्चुरी फॉर्म करती है नर्मदा तापी, यहाँ पर पूछा है. तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो थर्ड क्वेश्चन आप फिर से नर्मदा नदी से, नर्मदा रिवर जो है वो कौन सा वाटरफॉल बनाती है जबलपुर के पास, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो नर्मदा से ही अगर हम देखें तो एक नदी ही आप उठा ले तो उससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से आपको पूछा जा सकता है, किसी भी अलग अलग तरीके से. तो आप जब भी एक टॉपिक उठाएं तो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आप उसको पढ़िएगा. ठीक है, अब हमारे इस आंसर की तरफ चलते हैं कि नर्मदा जबलपुर में कौन सा वाटरफॉल बनाती है. तो आप सभी को पता होगा कि जबलपुर में नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार फॉल्स बनाती है. कहाँ पर बनाती है, तो बेड़ाघाट पे बनाती है. कितना हाइट है उसका, 30 मीटर का हाइट है, याद रखिएगा. हो सकता है आपसे ये पूछ ले इसकी जगह, जबलपुर ना मेंशन करते हुए वो आपसे कौन से फॉल्स बनाती है नर्मदा नदी. ऐसे 3 फॉल्स आप मेंशन करें तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे वहाँ से पूछ लिया जाए. तो अच्छे से जितने भी वाटरफॉल्स बनाती है नर्मदा, ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. ठीक है, और कहाँ पर बनता है, कौन से
जगह पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे बन रहा है, कौन सी जगह है, वो भी आपको याद रखना है ना। कितने मीटर का है, हाइट कितनी है उसकी, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स जो है वो याद होने चाहिए। हो सकता है 5 मार्कर्स में आपसे पूछ लें, नर्मदा के वाटरफॉल्स बताइए कहाँ कहाँ पर है, कौन से हैं, कितना हाइट है, तो हो सकता है 5 मार्कर्स क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेम दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स एमपी की यहाँ पर पूछी गई है, जहाँ पर रिवाइन अफेक्टेड लैंड है ना, हाईएस्ट रिवाइन अफेक्टेड लैंड एमपी की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपसे बनेगा, मैं आशा करती हूँ। मुरैना एंड भिंड, हम देखते हैं कौन सा इलाका है ये, और कौन सी नदी है जो फॉर्म करती है ना। अगर यहाँ पर रिवाइन अफेक्टेड एरिया है तो कौन सा एरिया यहाँ पर पड़ेगा, कौन सी नदी यहाँ पर पड़ेगी, ये देख लीजिए। ये ऊपर यहाँ पर आप देख सकते होंगे मुरैना प्लेट्यू है ना, ये मुरैना भिंड वाला इलाका है जो सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू जो इलाका है वहाँ पर ये पड़ता है, मुरैना प्लेट्यू। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी नदी यहाँ पर पास हो रही है, यहाँ पे एरी चंबल नदी, एक और नदी यहाँ पर पास हो रही है, आप देखिए यहाँ पर है ना, पार्वती नदी यहाँ पर बह रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्वती नदी, ये जाकर चंबल में मिल जाती है, तो ये दो नदियाँ आप यहाँ देख सकते हैं, चंबल और पार्वती, और इन्हीं के कारण यहाँ पर होता है गली इरोशन है ना, उसी गली इरोशन की वजह से यहाँ पर रिवाइंस फॉर्म होती है। तो याद रखिएगा कि ये पूरा एरिया जो है मुरैना प्लेट्यू वाला जो एरिया है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू वाला एरिया है, यहाँ पर रिवाइंस होती है, ये मैक्सिमम रिवाइन अफेक्टेड एरिया है एमपी का। ठीक है, याद रखिएगा मुरैना एंड भिंड। चलिए अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आज का, एमपी कौन से वैल्यूएबल मिनरल के लिए फेमस है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हो सकता है इसकी जगह आपको और कोई पर्टिकुलर मिनरल मेंशन कर दिया जाए, और वो कहाँ पाया जाता है ये आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा है ना, पन्ना डिस्ट्रिक्ट डायमंड के लिए फेमस है एमपी। ठीक है, अब याद रखिएगा आप कौन सा वैल्यूएबल मिनरल है पन्ना। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, आप एक बार चेक करिएगा, हो सकता है आपसे एक पर्टिकुलर मान लीजिए एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज पूछ ली जाए है ना, या फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज आपसे पूछ ली जाए कहाँ पर है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ पर है ना। जैसे इससे पहले शुगर इंडस्ट्री के बारे में 5 मार्कर्स में क्वेश्चन जो है पूरा शॉर्ट नोट के फॉर्म में आया है, हो सकता है वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए किसी एक पर्टिकुलर मिनरल को लेकर। तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 3 मार्कर्स क्वेश्चन पेपर 1 के पार्ट 2 से, ज्योग्राफी से यूनिट 3 से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फैक्ट्स के साथ और मॉडल आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।